विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। और सबसे पहले बात करेंगे देशव्यापी रेल चक्का जाम की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज देश भर में किसानों ने रेल रोकने की घोषणा की है। इसी कड़ी में आज जाप कार्यकर्ताओं ने पटना के सचिवालय हॉल्ट पर रेल का चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रही है, जिससे लेकर पुलिस और जाप कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। तो ये राजधानी पटना की खबर है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वहां जाप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। रेल रोको अभियान चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ऋतिक हैं फोन लाइन पर। ऋतिक, हालांकि मैट्रिक की परीक्षा भी चल रही है और विपक्षी पार्टियों ने यह फैसला किया था कि सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन इस तरह के जो प्रदर्शन दिखने को मिल रहे हैं जाप की ओर से, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मंजुल, देखिए पूरे देश भर में इस चक्का जाम का जो तस्वीर सब सामने आ रही है, उसमें साफ लग रहा है किसान के तरीके से 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और आज जो जाप के कार्यकर्ता है पटना के सचिवालय और स्थित जो रेलवे स्टेशन है वहां पर पटरी पर बैठकर आज उन लोगों ने कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन जब वो पटरी पर बैठे थे तो पुलिस प्रशासन जबरन जो है उन सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को पटरी से उठाने लगे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई, वहां पे उन्हें पटरी से हटाया गया। और क्या आपके पास किसी तरह के झड़प की भी खबर है? नहीं, फिलहाल अभी इस पर कोई झड़प नहीं हुई है। जो जाप के कार्यकर्ता है उन्होंने कहा है कि जो तानाशाही रवैया जो पीएम मोदी की जो सरकार है वो अपना रही है, इसे जो है बिल्कुल सिरे से नकारने की बात वो लोग कर रहे हैं। लेकिन झड़प फिलहाल पुलिस जो है अपनी जो बल का प्रयोग करे दलबल के साथ वहां पर जाप के जितने भी कार्यकर्ता जो पटरी पर बैठे हैं उन्हें जबरदस्ती जो है जबरन जो है पटरी से उठाकर स्थिति वहां पर क्या है? फिलहाल स्थिति जो है वहां पर जो जाप के कार्यकर्ता हैं और उन दोनों के बीच और जो पुलिस है उन दोनों के बीच जो है इसी को लेकर बहसा बहसी चल रही है। और जो जाप के कार्यकर्ता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं मंजूर की 12 से 4 का जो समय है वो दिया गया मैट्रिक परीक्षा को भी देखते हुए, तो जाप के जो कार्यकर्ता है कि ये जो रेलवे चक्का जाम जो है इतना भीषण रूप ना ले ले, इसको लेकर प्रशासन भी वहां पर खड़ी है। लेकिन अब ये जो रूप कहीं और ही लेता जा रहा है, जो इन दोनों के बीच जो भिड़ंत हो गई कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच, ये कहीं और ही अब जाता दिख रहा है मंजूर। ऋतिक, अगर हम और राजधानी पटना के और इलाकों की बात करें और स्टेशनों की बात करें, तो किस तरह की प्रदर्शन है, कितना असर देखने को मिल रहा है इस प्रदर्शन का? देखिए फिलहाल अगर मैं बात करूं सचिवालय हॉल्ट में तो सुबह से इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जब 12 बजे से रेलवे चक्का जाम किया गया है। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पटना जंक्शन पे कुछ खास असर नहीं देखने को मिला है। कुछ कार्यकर्ता जो है जो आपके महागठबंधन के कार्यकर्ता नेता है उन लोगों ने वहां पर कोशिश की रेलवे चक्का जाम करने की, लेकिन प्रशासन पहले से ही पटना जंक्शन पर तैनात रही। और अगर मैं बात करूं तो जो पटना स्थित राजेंद्र नगर टर्मिनल है वहां पर थोड़ा मोड़ा जो असर है वो देखने को मिला है मंजुल। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋतिक। लेकिन आगे भी इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे पल पल के अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि देशव्यापी रेल चक्का जाम किया अभियान है नए कृषि कानून के खिलाफ, जिसका असर आज बिहार और झारखंड में भी देखने को मिल रहा। हालांकि बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, जिसे लेकर यहां पर सांकेतिक प्रदर्शन करने का ऐलान महागठबंधन और किसान नेताओं के द्वारा किया गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि किसानों के समर्थन में जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला राजधानी पटना में। हालांकि यहां पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने जाप कार्यकर्ताओं को पटरी पर से उठाने की जबरन कोशिश की। हालांकि इस दौरान कुछ झड़प भी हुई, लेकिन कोशिश की गई कि सुचारू रूप से रेल यातायात को चलाया जा सके। आपको बता दें कि कृषि कानून जो हैं उन्हें वापस लेने की मांग केंद्र से की जा रही है और इसी को लेकर देशव्यापी रेल चक्का जाम अभियान आज चल रहा है और यह 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा। हालांकि बिहार में 10वीं की परीक्षा भी चल रही है और इसी को लेकर परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो, जिसे लेकर विपक्ष के नेताओं ने और साथ ही जो इसका समर्थन कर रहे हैं किसान नेता, उन्होंने भी सांकेतिक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।